हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और मेरे पीछे बीएचयू का एक काउंसलिंग हॉल जिसमें काउंसलिंग अभी चल रहा है पीएच वालों का। मैं आपको पूरा अंदर ले जाके पूरा वीडियो पूरा समझाऊंगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ई काउंसलिंग का जो ये वीडियो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आप समझ पाओगे कि कितना चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी डायरेक्टली इस बार जो काउंसलिंग के हेड हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, वो अपडेट मैं वीडियोज़ में आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखो। डू लाइक एंड डू शेयर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आज बीएचयू पाठशाला आपको सैर कराने वाला है बीएचयू यूजी काउंसलिंग हॉल का। और आप देख रहे हो जैसा कि अभी ये बीएचयू का राधा कृष्णन हॉल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरके हॉल बोलते हैं, आर्ट्स फैकल्टी में ये है। और इसकी जो सजावट आज जो दिख रही है, ये पूरा पूर्ण रूप से काउंसलिंग के ही उद्देश्य से बनाया गया है। आप देख रहे होंगे कि ये जो गार्जियंस और स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, ये काउंसलिंग कराने आए हुए हैं। और आपको मैं एक बात यहाँ पे सजेस्ट कर दूँ कि आज पीएच का है इसलिए गार्जियन हॉल में अलाउड है, लेकिन बहुत कम चांसेज हैं कि आने वाले समय में आपको इसमें अलाउ किया जाएगा। मींस गार्जियन नॉट अलाउड होंगे हॉल में। गार्जियन के लिए अलग प्लेस बना हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। अभी सामने जो आपको ये पूरा सिस्टम दिख रहा है, ये आर्ट्स फैकल्टी के जो इस बार काउंसलिंग के हेड बनाए गए हैं, पीएच मींस फिजिकल एजुकेशन के विनायक सर हैं, ये उनके निगरानी में ही कार्यान्वित हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि सिस्टम्स लगे हुए हैं और उनके सामने एक चेयर लगी हुई है, ठीक है। आप पहले सिस्टम पे बैठोगे, आपकी काउंसलिंग वहाँ पे कराई जाएगी, फिर पीछे जो एक फैकल्टी और बैठी हुई है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखो कि काउंसलिंग में आने से पहले क्या क्या चीज़ें लानी है। बहुत सारे वीडियोस गए हैं, उसको देखो। और इस और मैं इसके बाद एक और वीडियोस दूंगा जिसमें आपको लगभग 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स हैं। मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं आपको उनमें बताने वाला हूं। तो देखिए, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है कि प्रिफ्रेंस को कैसे भरना है, मीन्स कुछ उसमें करेक्शन करना है आपको, ठीक है, ये है। दूसरा है कि सब्जेक्ट्स आपके अलोकेशन कब आ जाएंगे आपके पोर्टल पे। और तीसरा जो इसमें बात निकल के आई है कि आपका एडमिशन फाइनली कब होने जा रहा है और क्लासेस कैसे कार्यान्वित होंगी, ये हमारी डायरेक्टली फैकल्टी मैनेजमेंट से बात हुई है। और आपको मैं ये अपडेट इसके आने वाले वीडियोज़ में दूंगा। सो प्लीज़ आप ध्यान रखो कि चैनल पे बने रहना, कोई भी चीज़ आपका अपडेट अगर मिस होता है तो आप फिर मिस कर जाओगे, क्योंकि आप एक बार देख रहे होगे कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को वर्कआउट कर रहे हैं। अभी मैं और मोहन सर और मनोज सर से हमारी इस बारे में बात भी हुई है कि काउंसलिंग जब तक हो नहीं जाता है, ऑफिस से लेके काउंसलिंग हॉल तक लेके पूरी अपडेट बच्चों को देना है। तो ये देखिए, पूरा आरके हॉल आपको सजा हुआ दिख रहा है और आई होप कि आप लोग को भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा, आप हॉल में ज़रूर आओगे। और यहाँ पे आने के बाद बाहर निकल के एक सेल्फी ज़रूर लेना और मैं आपको बाहर भी सैर कराऊँगा। और वो गार्जियन वाला हॉल भी मैं दिखा देता हूँ कि वो गार्जियन का हॉल कहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सभागार, जिसको हम लोग आरके हॉल के नाम से जनरली बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, कल एक गार्ड बैठा रहेगा, अभी आज एक ही गार्ड है, लेकिन वो भी परमिशन सबको दे दे रहा है जाने के लिए जनरली, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कल से गार्जियन नॉट अलाउड होंगे, ओनली कैंडिडेट अंदर एंट्री कर पाएगा। हाँ, ये जो रास्ता दिख रहा है, ये कुछ ही दूर जाके आपको लेफ़्ट टर्न लेना है, जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं, कुछ बच्चे खड़े हैं, वहाँ टर्निंग के बाद आपके गार्जियन को बैठने के लिए जगह बनाई गई है, ठीक है। और ये जो रूट अभी आपको दिख रहा है, ये रूट जाएगा आपका प्रेमचंद सभागार का भी वीडियोज़ में आपको दूंगा। वो इससे भी ज़्यादा परफेक्टनेस के साथ काउंसलिंग कराने जा रहे हैं उस हॉल में। सो प्लीज़ एवरीवन, डू लाइक एंड डू शेयर। मैं ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपका काम है लोगों को सजेस्ट करना और शेयर करना, ठीक है।